जोहर। आज का सब्जेक्ट है अतिक्रमण, सरकार एवं बेसरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा स्थायी अतिक्रमण के ऊपर। देखिए, हम अगर सरकार से डेवलपमेंट का मांग करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट के लिए भी तैयार रहना होगा। हमको सड़क चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, जो भी चाहिए। वो अगर हमको बोलेगा तो हमारा जमीन हम देने के लिए राजी होना पड़ेगा। हमको डेवलपमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को भी मान लेना पड़ेगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कुछ शर्त का ऊपर हो, ये परमानेंट अतिक्रमण ना हो। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा जो रोड चौड़ीकरण हुआ है उसमें हम लोग का बहुत जमीन गया है। सबका जिसका जिसका रास्ते का ऊपर जमीन था वो जमीन चला गया है। हाँ, सरकार हमको एक कंपेंशेट किया है, 2 गुना 3 गुना पैसा जरूर दिया है, लेकिन सरकार तो हमारे जमीन स्थायी रूप से ले लिया। अब सरकार उसका ऊपर बिजनेस कर रहा है, उनको रोड टैक्स मिल रहा है, उनको टोल टैक्स मिल रहा है, उनको रास्ता का ऊपर बैठा हुआ जो सब दुकान वगैरह है उससे कमर्शियल टैक्स मिल रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है। लेकिन जिसका परमानेंट जमीन चला गया उसको क्या मिल रहा है, इसका ऊपर आज हमको बोलना है। उसको मुआवजा तो दिया गया लेकिन उसका बदले में आजकल तो नौकरी भी नहीं दे रहा है। पहले जिस पर्पस में लैंड लिया जाता था उस डिपार्टमेंट में या और कोई सरकारी डिपार्टमेंट में लैंड लूजर के लिए उसको एक नौकरी दिया जाता था, लेकिन आजकल ये सब वो कुछ नहीं दिया जा रहे है। सिर्फ उसको थोड़ा मुआवजा दे करके परमानेंटली वो एनक्रोच कर ले रहा है लैंड। ये परमानेंटली एनक्रोचमेंट में लैंड लूजर को थोड़ा बहुत पैसा मिल तो जाता है, लेकिन जिन लोग थोड़ा होशियार नहीं है इस पैसा को कहाँ यूज करेंगे, किस पर्पस में यूज करेंगे या कैसे इसको व्यवहार करने में हमको रोजगार होगा, ये सब के ऊपर उनको जानकारी नहीं है। इसीलिए लैंड लूजर अधिक तो या तो माइग्रेट होके वो लेबर के लिए खटने कहीं चले जाता है या वो द्वार द्वार भटकने के लिए मजबूर हो जाता है, चाहे कंपनी का द्वारा हो चाहे सरकार के द्वारा हो। सरकार या कंपनी अपना बिजनेस के लिए, अपना इनकम के लिए ये कर रहा है, जनगण को क्या मिल रहा है? जनगण को तो हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग साधारण लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा बात है कि हमारा लैंड जरूर ले, डेवलपमेंट का पर्पस में जरूर ले, लेकिन मेरा कोई परमानेंट एक्विजिशन ना हो, मेरा ओनरशिप चेंज ना हो, उसको आप लोग लीज का तरह ले। और इस लीज का तरह से हमको जैसे महीना महीना में कुछ पैसा आए, जब आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं तो हमको कुछ दीजिए। जैसे कोई भी गवर्नमेंट आए तो मेरा जितना जमीन गया है उसका अकॉर्डिंग एक रेंट का रूप में हमको पैसा मिले। हमको वन टाइम पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि इस जमीन से हमारा जेनरेशन के जेनरेशन खाता, अनलिमिटेड जेनरेशन। हाँ, ये मेरा पालन पोषण का एक जरिया था, और ये परमानेंटली आप ले लेंगे। आज लैंड का जो दाम है, आज मूल्य है, मार्केट वैल्यू जो है, कालो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा सरकार के पास। हाँ, लेकिन मेरा तो चला गया एक परमानेंट प्रॉपर्टी, और लीजो एक कंडीशन में, ऐसा ना हो कि हर लिमिट में लीजो। ये नहीं कि जैसे टाटा कंपनी लीज दिखाता है 100 साल का, 200 साल का, ऐसा लीज ना हो। ना लीज देने वाला जिंदा रहेगा, ना लीज लेने वाला तो रहेगा, उसका ऑफिशियल ये में रहेगा। हाँ, लेकिन हमारा कौन रहेगा? लीज देने वाला जो है वो तो मर जाएगा। इसीलिए लीज हो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए, वो 5 ईयर्स में रिलीज होते रहेगा। ऐसे कब तक हम गवर्नमेंट डेवलपमेंट का चलते हम बेघर होते रहेंगे? है हमारा डेवलपमेंट हम मांग रहे हैं, हम आपके साथ सरकार के साथ कॉपरेशन के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरा भी तो रोजी रोटी, मेरा जरिया, इनकम का जरिया तो खत्म हो जा रहा है जिससे हम खा रहे थे। इसके पास सरकार को शक्कर लेना होगा कि कैसे हमारा स्थायी एक इनकम हमारा इंक्रोचमेंट का बदले में हमको मिल सकता है।
और देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक आप देखिएगा स्ट्रीट का ऊपर एक टी सेलर, एक फास्ट फूड सेलर, एक क्या इडली डोसा बेचने वाला, कोई भी छोटा बिजनेसमैन जो है उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहता है? मैक्सिमम 20 से 30 हजार, 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इसी में देखिएगा कोई बर्तन धो रहा है, कोई सर्व कर रहा है, उसका ऑर्डर 2-3 एम्प्लॉयमेंट तो दे ही देता है इतना पूंजी में, 20-30 हजार में। हम करोड़ों करोड़ों रुपया हम नियोग सरकार दे देता है कंपनी को कि इतना ले लो, इतना ले लो, इतना सब्सिडी में इतना ले लो, इतना मुफ्त है तुम्हारा। हम जो करोड़ों रुपया का विनियोग कंपनी में करते हैं प्लस लैंड, उसमें मेरा एम्प्लॉयमेंट कितना होगा ये भी तो देखना होगा। एक छोटा एंटरप्रेनर अपने साथ 2-3-4-5 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एक स्मॉल कैपिटल में, तब एक कंपनी को उस हिसाब से कितना एम्प्लॉयमेंट देना होगा? कुछ दिन लैंड लेने का बाद फिर एक दिन आके वो बोलता है कि हम देवलिया हैं, जैसे सहारा इंडिया बोला है। उसके बाद वो क्या करेगा, अपना कुछ फेवरेट आदमी को रख लेगा और बाकी लोगों को वो छंटाई करते जाएगा। यही क्या सोल्यूशन है? सरकार को हम खास करके झारखंड के सरकार को बोलेंगे कि झारखंड का हमारे यहाँ जो लैंड कंपनी का नाम से ले रहे हैं, और कंपनी का नाम से बहुत सारा बंद पड़ा हुआ चीज भी है जो कंपनी हमसे खरीदा है और बंद करके चला गया है, क्या वो हमसे जो पैसा में जमीन लिया था क्या वो उसी पैसा में वो बंद हुआ फैक्ट्री को सेल करेगा? झारखंड गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कम से कम झारखंड के बिजनेस करने के लिए आपको कुछ शर्त होना चाहिए कि आपको यहां लीज में होगा, परमानेंट सेल हम लैंड करने नहीं देंगे, लैंड का परमानेंट सेल ना हो। हमारे अनुरोध हमारे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार से भी है कि देखिए हम लोग का जैसे कृषि का जो बेस्ट लोगों के ऊपर जमीनी एक सहारा है, और उस जमीन को अगर परमानेंटली एनक्रोच किया जाए तो एक कुछ कुछ शर्त पे वो किया जाए, जैसे मेरे भी मुनाफा हो सरकार का भी मुनाफा हो, एकदम बेघर करके हम लोगों को कृपा एनक्रोच नहीं कीजिए।